नमस्कार दोस्तों, मैं जगमोहन सचदेवा आज आपको ऑरिकुलर थेरेपी के द्वारा किस तरह से करते हैं लोअर बैक पेन का इलाज उसके बारे में जानकारी देता हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है, ये जो एरिया है, जो आउटर साइड है, इसे हेलिक्स कहते हैं। इसके अंदर वाला जो ये एरिया है इसे स्काफा कहते हैं, और उससे ज़्यादा ये अंदर जो उभरा हुआ एरिया है इसे एंटी हेलिक्स कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें ये जो एरिया है, जो बिगनिंग का एरिया यहाँ वाला, यह सर्वाइकल का एरिया होता है, और यह जो एरिया होता है ये लोअर बैक का एरिया होता है। मैं आपको पेन से मार्क करके दिखा देता हूँ। यह जो दोस्तों एरिया है, यह है सर्वाइकल का एरिया है। तो किसी को सर्वाइकल में पेन होगी तो आप इस जोन को ट्रीट करेंगे, और अगर किसी को लोअर बैक में पेन होगी तो आप इस जोन को ट्रीट करेंगे। दोस्तों, इसके अंदर आपको सिंपली ये जिम्मी जो है ऑरिकुलर थेरेपी की, इससे स्टिमुलेशन देना है यहाँ पर 3 से 5 बार। अगर सर्वाइकल की पेन है तो यहाँ पर स्टिमुलेशन देंगे, और अगर लोअर बैक में पेन है तो यहाँ पर स्टिमुलेशन देंगे। स्टिमुलेशन करने के बाद आपने ऑरिकुलर थेरेपी के जो सीड है इसको यहाँ पर इस तरह से लोअर बैक पेन के लिए लगाना है। दो सीड आपके लोअर बैक के एरिया को कवर करने के लिए लगते हैं। जिन पेशेंट को लोअर बैक में पेन है, स्टिफनेस रहती है, डिस्कम्फर्ट रहता है, थोड़ा सा काम करने पे तकलीफ आती है, या सुबह उठकर बैक में स्टिफनेस लगती है, जितने लोगों को लंबर 2, 3, 4, 5 यानी L1, L2, L3, L4, L5 या सैक्रल 1 एरिया में प्रॉब्लम है, तो वो यही ट्रीटमेंट जो मैंने अभी गाइड किया है इसे करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, इस वीडियो से आप ट्रीटमेंट करेंगे अपना, अपनी फैमिली के मेंबर्स का, और जिस भी व्यक्ति को बैक पेन है उससे ये वीडियो जरूर शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी कमर दर्द से निजात पा सकें। ऑनलाइन ट्रेनिंग में ऑरिकुलर थेरेपी की मैं जगमोहन सचदेवा आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।